तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? देखिए डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी वायर में अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो हीट करने लगता है। या अपना मोबाइल फोन को ही देखो, अगर उसको चार्जिंग में लगा दिए हैं तो थोड़े टाइम बाद वो हीट करता है। तो ये हीटिंग हीट डेवलप क्यों होता है? देखो क्या है, जो भी मटेरियल है, हर एक मटेरियल चाहे वो कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ये क्या करता है, करंट के फ्लो में ऑब्स्टेकल डेवलप करता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ऑब्स्टेकल के अगेंस्ट में मूव करता है तो क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क कराना पड़ता है और यही वर्क उसमें क्या होता है, हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड किस पे करता है, कि सपोज दिस इज अ रेजिस्टेंस आर और यहां से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, ओके, और ये एमिटर लगा दिए करंट मेजर करने के लिए। सपोज ये वेरिएबल बैटरी है, पोटेंशियल भी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही रेजिस्टेंस में करंट धीरे 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 हम लोग इंक्रीज करेंगे, जैसे अगर एक वायर ले लिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें हीट डेवलप नहीं होगा, या स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। बट उसी वायर में अगर हम लोग क्या करें, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो हीट डेवलप होगा और उसके कारण वो क्या होता है, बर्न भी हो जाता है। जैसे अपना फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर में क्या होता है, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग करंट फ्लो कराते हैं उसमें हीट डेवलप होता है, और अगर वो करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो उस हीट के कारण वो वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे फ्यूज वायर टूट जाता है और घर का बाकी अप्लायंस फ्यूज डैमेज होने से बच जाता है। तो फ्यूज वायर भी क्या है, एक एग्जांपल है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। घर में जो हीटर वायर है, हीटर का वायर किसका बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम की खासियत क्या होती है कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी हाई होता है, तो रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हीट प्रोड्यूस हो जाता है, मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। अपना जो नॉर्मल जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए उसमें लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हीट है, हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड किस पे करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, कैसे प्रोड्यूस होगा, ये करंट के स्क्वायर के फॉर्म में। हीट सिमिलरली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस आर पे, वायर का रेजिस्टेंस कम है लेस अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा, वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है मोर अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा। ओके, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, सिमिलरली एच प्रोपोर्शनल होता है टाइम टी के। किसी भी वायर में थोड़े से ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो कराओगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, और उसी में अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक करंट फ्लो कराओगे हीट का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हीट है वो डिपेंड करता है आई स्क्वायर आर और टी पे। तो कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी, आर एच इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर के क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और SI यूनिट इसका क्या होगा, जूल। ओके, तो हीट का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला हो गया। H इक्वल टू इसको ऐसा लिख सकते हैं आई आर इंटू आई टी, और आई इंटू आर क्या होता है, I into R होता है V, तो H का वैल्यू होता है वी आई टी। ये भी एक फॉर्मूला हुआ हीट का। ओके, फिर यहां से I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होता है फ्रॉम ओम्स लॉ से, तो H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन R। ये थर्ड फॉर्मूला हुआ किसका, हीट का। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या निकाल फाइंड कर लेंगे, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये सब सबका SI यूनिट क्या है, जूल है। अगर कैलोरी के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18 कैलोरी।
ओके या वी आई टी अपॉन 4.18 कैलोरी या वी स्क्वायर टी अपॉन 4.818 आर कैलोरी। तो ये हुआ फॉर्मूला किसका, हीट का इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी। तो ये हुआ तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, क्या हम लोग, हमको पता है क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सपोज दिस इज एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को पूरे सर्किट में मूव कराएगा। ओके, तो इसको मूव कराने के लिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क पर सेकेंड है, वर्क पर सेकेंड डन बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू मूव द चार्ज इन कंप्लीट सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू मूव द चार्ज इन होल सर्किट पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क हीट इज द फॉर्म ऑफ वर्क, इसको एच अपॉन टी भी बोल सकते हैं। यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड यानी वाट होगा। तो पी का फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, पी एच का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो पावर का हो गया आई स्क्वायर आर। सेकेंड वी आई टी अपॉन टी हो गया, तो वी इंटू आई। थर्ड है वी स्क्वायर अपॉन आर टी अपॉन टी यानी वी स्क्वायर आर। दिस इज दीज आर द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। इसका जो लार्जर यूनिट होता है हॉर्स पावर, वन हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, और जो लार्जर है वो किलो वाट, मेगावाट। ठीक है, तो जनरली जो होता है वाट और हॉर्स पावर में हम लोग पावर को यूज करते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है यानी जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है वो किसी भी चार्ज को यानी इसमें करंट मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, पावर अप्लाई करेगा। तो ये जो एक्सटर्नल पावर है या एक्सटर्नल डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए पर सेकेंड वर्क कर रहा है, दिस इज नोन एज एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द करंट इन द होल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला हमको पता है पावर का, W अपॉन T। तो W इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू टी। पी पावर है, इसका क्या होगा यूनिट वाट हो गया, T टाइम है, इसका हो गया सेकेंड, वाट सेकेंड क्या होगा जूल होगा। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है या किलो जूल होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये कमर्शियल यूनिट क्या होता है, जो घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है वो किसमें आता है, यूनिट के फॉर्म में आता है, वो यूनिट ही क्या है, कमर्शियल यूनिट है। तो वन यूनिट का वैल्यू क्या होता है, वन किलो वाट आवर। तो वन यूनिट इक्वल टू वन किलो वाट आवर, इसका मतलब वन किलो वाट का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वन आवर में जितना पावर कंज्यूम करता है दैट इज नोन एज, जितना एनर्जी कंज्यूम करता है दैट इज नोन एज वन यूनिट। तो क्या होना चाहिए, अप्लायंस का पावर कितना होना चाहिए, वन किलो वाट। वन किलो वाट यानी 1000 वाट, कितने सेकेंड, कितने आवर में, वन आवर, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, वन आवर में कितना सेकेंड होगा, 60 मिनट,
1 आवर, ओके 60 मिनट 60 सेकेंड, यानी ये हो गया 1000 इतना सेकेंड हो गया इंटू 3600 वाट सेकेंड यानी जूल हो गया, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10^6 जूल या 3.6 मेगा जूल, तो ये हो गया 1 यूनिट। ये जो 1 यूनिट होता है उसका वैल्यू होता है 3.6 मेगा जूल, इसको बोलते हैं बोटू, बोटू यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का इलेक्ट्रिक बिल आता है वो 1 यूनिट के फॉर्म में आता है, और 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 आवर में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा दैट इज नोन एज 1 यूनिट। तो ये क्लियर हुआ पावर वाला टॉपिक। अब आगे हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।